गुरुग्राम में एक बार फिर आग का तांडव देखने को मिला है। आज सुबह गुरुग्राम के बंदवाड़ी में कूड़े के पहाड़ में भीषण आग लग गई, लेकिन आग इतनी भयानक है कि 10 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया। हालांकि दमकल विभाग की एक दर्जन गाड़ियां मौके पर आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही हैं। ये सर, हमें कल शाम को 5 बजे करीब सूचना मिली थी कि खत्ते में आग ज्यादा है। वैसे तो हमने एक गाड़ी यहाँ पे स्टैंड बाई खड़ी की हुई है, उस गाड़ी ने काम किया। उसके बाद उन्होंने बताया भाई आग ज्यादा हो गई है, आप गाड़ियाँ और भेजें। तो हमने 4 गाड़ियाँ गुड़गांव से और भेज दी थी। उन्होंने सुबह 3 बजे तक काम किया, आग को कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद अचानक से आप देख रहे हो पीछे एकदम से आग भड़क गई थी, और उसके बाद फिर हमारे पास 5 बजे मैसेज आया सुबह कि भाई आग ज़्यादा हो गई है, आप गाड़ियाँ और भेजो। फिर हमने गुड़गांव से 8 गाड़ियाँ गुड़गांव से और 4 गाड़ियाँ फरीदाबाद से बुला करके अब आग को हमने पूरी तरह कंट्रोल में किया हुआ है। और शाम को तकरीबन शाम तक 6-7 बजे तक हम आग को पूरी तरह कंट्रोल में कर लेंगे। तो सर अंदाजा जो यही बताएंगे अब हम, तो क्या बताएं, किसी के हताहत होने की किसी के नहीं होने? अभी तक कोई समाचार नहीं है। हमारे 40 कर्मचारी कंटिन्यू यहीं पर लगे हुए हैं। क्या कारण था इसका और लगातार अब आग भड़क रही है, इसके पीछे का क्या कारण? इसके पीछे का सर ये कारण है, जो खत्ता है ना यहाँ पे गैस बन जाती है, गंदगी इकट्ठी हो गई गैस बन जाती है, और गर्मी ज्यादा होने के कारण अचानक से उसमें आग लग जाती है। नहीं अभी तो आज तो फिलहाल ये हमारे कंट्रोल में है, और आगे से अगर बढ़ेगी तो वो भी देखेंगे। ये कोई पहली बार नहीं है जब इस कूड़े के पहाड़ में इस तरह से आग लगी हो। आंकड़े बताते हैं कि साल 2014 में भी इसी तरह से आग लगी थी, जिसको बुझाने में 3 दिन तक दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत की थी। तो वहीं 2022 में भी कूड़े के पहाड़ में इसी तरह से आग लगी थी, जिस पर 2 दिन बाद काबू पाया गया। हालांकि इस बार दमकल कर्मियों का कहना है कि आज शाम तक आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।